वन वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है और इसमें ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो स्केलिंग में क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर स्केल फैक्टर से हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो हम इसमें जो हमारे स्केलिंग फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं Sx और Sy लेते हैं हम। ये हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब चेंज इन द लेंथ विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। ये जो स्केलिंग फैक्टर हमारा Sx है, ये हमारे पास किस डायरेक्शन में चेंज करेगा, x डायरेक्शन में, और Sy को हम यूज करते हैं y डायरेक्शन के लिए। अगर जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है S, अगर वो हमारा ग्रेटर देन 1 हो, इट मीन्स जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। और अगर हमारे पास जो स्केलिंग फैक्टर वो लेस देन 1 हो, इट मीन्स हमारे पास जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो कंप्रेस हो रही है। तो एस जब हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन। और जब हमारे पास जो हमारा स्केलिंग फैक्टर एस है वो लेस देन 1 हो तो क्या होगी, हमारी रिडक्शन। तो जब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और हमने इसको स्केल कर दिया, ऐसे हमने इसको स्केल कर दिया, हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो क्या होगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पी है, ये किस कोऑर्डिनेट में है, एक्स वाई में है, और जो नई हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगी वो हमारे पास एक्स डैश वाई डैश आएगी। तो जो हमारे पास नए कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास एक्स डैश, वो क्या होगा, एस एक्स इंटू एक्स, और जो वाई डैश आएगा हमारा नया कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, एस वाई टू वाई। तो ये हमारे पास होते हैं हमारे स्केलिंग फैक्टर है, ये हमारे पास एस एक्स और एस वाई हमारे स्केलिंग फैक्टर है। और जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश, यहां हमारे पास क्या आएगा, एस एक्स जीरो जीरो एस वाई इंटू में एक्स वाई। तो ये क्या आया हमारा, हमारी जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब हमारे पास हम जब 3x3 मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं तो हम होमोजेनियस इंट्रोड्यूस करते हैं, हम होमोजेनियस रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये किसके लिए, हमारे पास होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, एस एक्स एस वाई, यहां जीरो आ जाएगा, यहां जीरो आ जाएगा, जीरो 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 वन, और यहां हमारे पास आएगा एक्स वाई वन, और ये हमारे पास आएगा एक्स डैश वाई डैश वन। ये हमारे पास होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, हमारी होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन। तो जो 3x3 हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के लिए लेते हैं। तो इस तरह से हम स्केलिंग करते हैं कि हम उसकी जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और उसको उसकी रिडक्शन कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो स्केलिंग फैक्टर है हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारे पास क्या होती है, मैग्निफिकेशन होती है, एक्सपेंशन होती है। और जब हमारा जो स्केलिंग फैक्टर है वो हमारा लेस देन 1 होता है तो हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है, कंप्रेशन होती है। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, कंसिडर ए ट्रायंगल डिफाइंड बाय इट्स 3 वर्टिसेस। इसके 3 वर्टिसेस हैं, फर्स्ट है हमारे पास 20, 0, सेकंड है 80, 0, थर्ड है हमारे पास 50, 100। इफ द पिक्चर इज टू बी एनलार्ज्ड टू ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल साइज, तो क्या होगा, इसमें ट्वाइस का है तो ट्वाइस आया तो हमारा स्केलिंग फैक्टर क्या हो गए, एस एक्स और एस वाई हमारे पास डबल हो गए तो 2 हो गए। तो हम देखते हैं हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये इसमें हमारे पास हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ हमारे पास ओरिजिन, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन का ओरिजिन है 0, 0, यहाँ हम इसको 20 ले लेते हैं, हम वैल्यूज असाइन कर लेते हैं 40, 60,
एटी, नाइन्टी एंड हंड्रेड। ये हम असाइन कर लेते हैं ट्वेंटी, फोर्टी, सिक्सटी, एटी एंड हंड्रेड। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब हमारे ये एक्स है ये वाई है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स की क्या वैल्यू है ट्वेंटी और वाई इस टाइम क्या है जीरो, तो यही पॉइंट आएगा। सेकंड क्या है, एक्स तो एटी हो रहा है पर वाई क्या है जीरो है, तो ये पॉइंट है। फिर हमारे पास एक्स क्या है फिफ्टी, इट मीन्स यहाँ होगा, और वाई कितना है हंड्रेड, तो यहाँ होगा। हम इसको मिला देते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन है और इसको हमें करना है, इसकी हमें इसको अनलार्ज करना है ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल साइज। तो इसके ओरिजिनल साइज से हमें इसको डबल करना है। तो क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास स्केलिंग फैक्टर है, हमारे पास स्केलिंग फैक्टर टू आ जाएगा क्योंकि हमें डबल करना है ट्वाइस करना है, तो हमारे पास स्केलिंग फैक्टर क्या आएगा टू एक्स। एक्स डायरेक्शन में भी हमारे पास ट्वाइस करेंगे और जो हमारे पास वाई डायरेक्शन उसमें भी हम ट्वाइस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो फर्स्ट जो हमारे पास पोजिशन है वो क्या है, ए है ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी कोमा जीरो। तो जब हम इसको स्केलिंग करेंगे इसकी, तो हमारा साइज डबल होना चाहिए। तो ए पॉइंट क्या आ जाएगा, जब हमारा न्यू जब हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में जब हम करेंगे नहीं, हमारी ऑब्जेक्ट बनेगी उसमें क्या होगा, उसका साइज यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल करना है, 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, लेकिन 40 को 2 से मल्टीप्लाई 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा 80 कोमा 0, तो आप जब इसको डबल करेंगे तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, थर्ड हमारे पास है सी पॉइंट, इसकी क्या वैल्यू है 15 और कोमा 100। तो इसकी क्या होगी, सी डैश क्या आ जाएगा हमारा, जब इनको डबल करेंगे 50 का क्या हो जाएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 को 2 से करेंगे 200 हो जाएगा। तो हमारे पास नए पॉइंट क्या है, ये आए। अब हम इसको करते हैं, ये 0 है, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है और यहाँ हमारे पास 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आए। अब हम क्या करते हैं कि जो ए पॉइंट है हमारा वो क्या है 40 0, 40 और ए डैश जो हमारे पॉइंट है 40 0, तो 40 यहाँ पे है और 0 हमारे पास, हमारी जो वाई तो हमारे पास 0 ही रहा, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया एक। फिर हमारे पास जो बी डैश आएगा वो आएगा 160 0, ये आ जाएगा। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है 100 100, यहाँ है हमारा, और ये हमारे पास y है 200, तो हमारे पास यहाँ पॉइंट आएगा। आप इसको सीधा करके कर लीजिएगा, तो ये आई हमारे पास, ये a डैश है, ये b डैश है, ये c डैश है। तो हमने इसको स्केलिंग किया इसका। तो इस तरह से हम इनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास वैल्यू जो होती है स्केलिंग फैक्टर की वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो हमारे पास जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। अगर हमारे पास हमारा स्केलिंग फैक्टर हमारे पास कम हो, 1 से कम हो, लेस हो, तो उसमें क्या होती है, हमारी जो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास गिवन है वो कॉम्प्रेस हो जाएगी और हमारे पास उसमें रिडक्शन होगा। तो इस तरह से हम करते हैं स्केलिंग को। अगर यहाँ पे तो क्या था, अनराज करना था, हमें ट्वाइस करना था, जो हमारे पास ओरिजिनल हमारे पास ट्रायंगल ये था और इसको हमें ट्वाइस करना था, और जो हमारा स्केलिंग फैक्टर क्या आया, फिर ट्वाइस करेंगे तो हमारे पास स्केलिंग फैक्टर 2 आया। तो 2 आया तो हमने क्या किया, हमने उसको अनलार्ज कर रहे हैं, हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो नई जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने ये करी है, इसमें क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट हमारी उससे एक्सपेंड हो गई, मैग्निफिकेशन हुआ इसमें। लेकिन अगर हमारे पास स्केलिंग फैक्टर अगर ये होता कि इसका हाफ करना है हमें, अगर स्केलिंग फैक्टर 1/2 होता, एस एक्स जो हमारे पास है 1/2 होता, एस वाई हमारे पास 1/2 होता, लेस देन 1 होता, तो क्या होता कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ओरिजिनल जो हमारा साइज है, इससे साइज उसका कंप्रेस हो जाता, रिडक्शन हो जाती साइज में। तो इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा ट्रांसलेशन, रोटेशन। और ट्रांसलेशन में हम करते हैं कि हम अपनी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं इस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, रोटेशन में हम उसको रोटेट करते हैं, और आज हमने किया स्केलिंग की हम उसको
इसकी जो साइज, इसको हम इसको में साइज में रिडक्शन कर रहे हैं और एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास स्केलिंग था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिफ्लेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स।